हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, प्रणाम। आई होप यू ऑल विल बी फिट, फाइन एंड हेल्दी एट होम। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर 9, चेंजिंग फैमिलीज। फैमिली चेंज होती है, उसकी कई कई रीज़न होते हैं। ये चैप्टर में ये एक्सप्लेन किया गया है। हम एक जगह रहते हैं तो दूसरी जगह कई बार ऐसा होता है कि हमें शिफ्ट होता है, तो उसका रीज़न किस तरह से हो सकता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं फैमिली में, वो सब के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। हियर आर पिक्चर्स ऑफ सम फैमिलीज। यहाँ पे जो पिक्चर्स है वो कई फैमिली के हैं। दीज आर फैमिलीज आर ऑफ किरण, सुमी एंड दीपाली। यहाँ पे जो फैमिली के पिक्चर्स है वो तीन फैमिली के पिक्चर्स है। एक तो किरण की फैमिली के है, दूसरे जो पिक्चर्स है वो सुमी की फैमिली के है, और तीसरे जो पिक्चर्स है वो दीपाली की फैमिली के पिक्चर्स है। ओके, लेट अस गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस पिक्चर्स। यहाँ पे हम ये पिक्चर्स के थ्रू कई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले किरण स्टेल, किरण की फैमिली के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले जो ये जो पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं, दो दो पिक्चर कैसे हैं, किरण की फैमिली से रिलेटेड है। देयर इज़ अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन किरण्स फैमिली। किरण की फैमिली में बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है। सी हैज़ अ न्यू बेबी सिस्टर। उसकी एक न्यू बॉर्न बेबी सिस्टर हुई है, एक बहन हुई है। किरण एंड हर फैमिली आर वेरी हैप्पी। किरण और उसकी फैमिली बहुत ही हैप्पी है, बहुत ही खुश है। आप देख रहे हो फर्स्ट पिक्चर जो है उसमें ये जो रेड कलर का जो आपको स्क्वायर दिख रहा है वो सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, हॉस्पिटल का सिंबल रिप्रेजेंट करता है। तो किरण की फैमिली हॉस्पिटल में है, उसकी दादी है, किरण है, उसके साथ उसके पापा है, ओके, और उसके साथ उसकी आंटी है, और वो लोग हॉस्पिटल में हैं। और दूसरा जो पिक्चर है उसमें एक उसकी न्यू बॉर्न बेबी सिस्टर हुई है, नई बहन हुई है, उसके साथ में पिक्चर से दादा दादी सबके साथ में। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे देखो, उसकी जो फैमिली है वो घर पे आ रही है, हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज मिल रहा है। ओके, घर जा रहे। और फोर्थ नंबर का जो पिक्चर है उसमें देखो, उसके सारे फैमिली में घर पे आ रही है और उसका वेलकम हो रहा है, उसकी न्यू बॉर्न बेबी सिस्टर का, नई जो बहन हुई है उससे सब बहुत खुश है, उसका वेलकम हो रहा है। पिक्चर्स में उसकी मदर दिख रही है, उसके फादर दिख रहे हैं, उसकी सिस्टर दिख रही है, उसकी दादी दिख रही है, और उसके अंकल दिख रहे हैं। ठीक है, ऑटो में वो लोग आते हैं। अब क्या यहाँ पे दिया है, देखो, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट। पिक्चर देखो और लिखो, हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन किरण्स फैमिली नाउ। अब किरण्स की फैमिली में कितने मेम्बर्स होंगे, तो कितने मेम्बर्स होंगे, अब देखो, 1, 2, 3, 4। एक तो किरण के पापा, फिर किरण की मम्मी, दो किरण की न्यू बेन बॉर्न जो सिस्टर है, बनी बहन छोटी सी वो, 3, उसकी दादी 4, और किरण 5, और उसके बाद उसके अंकल जो है वो, तो 6 मेंबर्स होंगे अब। ठीक है, अब किरण हैज़ अ न्यू बेबी सिस्टर, उसको एक न्यू बेबी सिस्टर हुई है, छोटी सी बहन हुई है। विच थिंग्स विल बी चेंज्ड इन हर फैमिली नाम। अब उसकी फैमिली में क्या क्या चेंजेस होंगे, जब भी कोई नया बच्चा फैमिली में आता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो फैमिली में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आपके घर पे भी आपके छोटे भाई बहन आए होंगे, तो आपके घर में भी चेंजेस होगा। हाउ विल किरण स्पेंड हर डे नाउ। अब वो इस अपना डे का टाइम किस तरह से स्पेंड करेगी, उसकी बहन जो है उसको खिलाने पिलाने में वो अपना ज़्यादा टाइम बिताएगी। फिर व्हाट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ। अब उसकी मम्मी का क्या काम बढ़ जाएगा, तो उसकी मम्मी को उसकी बहन की देखभाल करने की, टाइम पे खिलाने का, नहलाने का, सुलाने का, वो बहुत सारा टाइम उनका उसमें चला जाएगा। ओके, विच टाइप ऑफ चेंजेस विल सीन इफ देयर अ स्मॉल बेबी इन हाउस। यदि घर पे कोई छोटा बच्चा आता है, न्यू बॉर्न बेबी, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, है ना। घर के जो जिसका उसकी मम्मी होती है, तो उसके बहुत सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और घर के जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स है उनका भी वर्क बढ़ जाता है, क्योंकि जो पहले से बड़ा बच्चा होता है उसके वो देखभाल सही से नहीं कर पाती, तो उसकी भी देखभाल करनी पड़ती है, साथ में छोटे बेबी को भी देखना पड़ता है, तो बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, वो सब आपको पता ही होगा। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे देखो, फाइंड आउट द अबाउट यंगेस्ट चाइल्ड इन योर नेबरहुड और इन द होम ऑफ रिलेटिव और राइट आंसर्स गिवन क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे छोटा बेबी आपके आसपास में कोई हुआ हो या आपके रिलेशन में हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपको फिलअप करना है। क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। विच होम हैज़ द यंगेस्ट चाइल्ड इज द योर नेबरहुड। आपके पास, आपके घर पे जो एकदम छोटा सा बच्चा है आपके आसपास में, आपके पड़ोस में, उसका होम कौन सा है, कौन सा घर है उसका, तो
कौन से घर में रहते हैं वो घर का नंबर लिख सकते हो आप। वैन वॉज द बेबी बॉर्न, बेबी बॉर्न कहाँ हुआ, कहाँ उसका जन्म हुआ। ज़्यादातर जन्म कहाँ पे होता है, बच्चे का हॉस्पिटल में होता है। ओके फिर व्हाट इज़ द एज ऑफ दैट चाइल्ड, आप जिसकी जो भी बच्चे के बारे में लिख रहे हो उसकी अभी की एज क्या है, कितने महीने हुए या कितने साल हुआ। फिर हाउ आर यू रिलेटेड टू दैट चाइल्ड, तो आपका रिलेशन कैसा है, आप किस तरह से उनसे रिलेटेड हो। फिर वेयर वॉज द बेबी बॉर्न, कहाँ पे हुआ वो एड्रेस उसका प्रॉपर लिखना है, मतलब कौन सी सिटी में हुआ। फिर डज द बेबी हैव एनी टीथ, क्या कोई बेबी को कोई टीथ होते हैं, नहीं होते। जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको टीथ नहीं होते, 8-9 महीने के बाद टीथ होते हैं। ओके फिर व्हाट डू दे फीड द बेबी विद, बेबी को क्या खिलाते हैं जब एकदम छोटा बेबी होता है, तो ओनली मिल्क, मम्मास मिल्क है ना, मदर का मिल्क पिलाते हैं उसको। फिर स्टिक अ फोटोग्राफ ऑफ अ बेबी और ड्रॉ पिक्चर, यहाँ पे बेबी के आप फोटोग्राफ भी स्टिक कर सकते हो और पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके अब नेक्स्ट पेज पे देखो, दूसरी फैमिली के बारे में, सुमी स्टेल, सुमी की फैमिली के बारे में उसकी पिक्चर्स दी हुई है और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है। सुमी'स फादर इज़ इन गवर्नमेंट जॉब, सुमी के पापा जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है। ही वॉज प्रमोटेड एंड वॉज बीइंग ट्रांसफर टू अनदर सिटी, उनका प्रमोशन हो गया, उनका दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र हुआ है। गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो प्रमोशन होता है, मतलब बढ़ती होती है और ट्रांसफ़र भी होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। नाउ वी विल नो अबाउट सुमी'स फैमिली, अब हम सुमी के फैमिली के बारे में देखेंगे। देखो फर्स्ट पिक्चर्स में सुमी के पापा को उनके ऑफिस से उनके जो सर है वो प्रमोशन लेटर दे रहे हैं। ओके फिर ही टॉक्ड अबाउट सुमी'स फादर केम फ्रॉम ऑफिस, वो ऑफिस में आए, ओके ही टॉक्ड अबाउट प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, उनके साथ ट्रांसफ़र और प्रमोशन की बात हुई, उन्होंने बात की। वॉट वुड हैपन नाउ, लेट अस फाइंड अबाउट इट, जब भी किसी का ट्रांसफ़र होता है, किसी का प्रमोशन होता है, तो क्या क्या चेंजेस फैमिली में होते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। सुमी के पापा की गवर्नमेंट जॉब है, उनका ट्रांसफ़र हो गया, उनका प्रमोशन हुआ है, अब उनकी दूसरी सिटी में उसका ट्रांसफ़र हुआ है, तो क्या क्या चेंजेस होंगे उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। सेकंड पिक्चर में देखो उसके पापा वो बताते हैं घर पे जाके बात कि ट्रांसफ़र हुआ है, उसकी मम्मी है, दादा दादी है, भाई बहन है। ओके अब थर्ड पिक्चर में देखो सब पैकिंग कर रहे हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र होने की। सुमी'स फादर गॉट ट्रांसफर, उसके पापा को ट्रांसफ़र मिला है। व्हाट प्रिपरेशन विल दे डू टू गो टू द न्यू प्लेस नाउ, अब उनको नई प्लेस पे जाना है तो सभी सामान अपने साथ ले जाना पड़ेगा है ना, तो उसके लिए वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। हु फ्रॉम सुमी'स फैमिली विल लिव विथ हिज फादर एट द न्यू प्लेस, उसकी जहाँ पे उनके पापा की नई जॉब लगी है वहाँ पे पापा के साथ कौन जाएगी, तो पापा के साथ मम्मी जाएगी और उनके बच्चे जाएंगे, मम्मी पापा और भाई बहन जो भी है, सिर्फ ब्रदर सिस्टर वो जाएंगे। विच स्कूल विल सुमी गो टू नाउ, अब उसकी स्कूल भी चेंज हो गई, दूसरी जगह पे जाएगी, तो अभी तक जो वो स्कूल में पढ़ता है वो स्कूल उसको छोड़नी पड़ेगी और उसको जो जगह जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे न्यू स्कूल में एडमिशन लेना होगा। हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली मूव टू अनोदर विलेज और सिटी बिकॉज ऑफ वर्क, क्या आपके फैमिली में ऐसा कोई पर्सन है कि जिसका चेंजेस हुआ हो, जिसकी फैमिली का जो सिटी से विलेज से सिटी में आए हो या एक जगह से दूसरी जगह गए हो बिकॉज ऑफ वर्क, काम की वजह से चेंजेस हुआ, यदि हाँ तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है। वॉट हु गॉट लास्ट एडमिशन इन योर स्कूल, आपकी स्कूल में लास्ट में किसने एडमिशन लिया और क्यों लिया, ऐसा कोई है तो वो उसके बारे में लिखना है। ओके तो फैमिली लास्ट पिक्चर्स में यहाँ पे क्या दिखाई रहा है कि उसकी जो फैमिली है सुमी की वो ट्रेन से जा रही है। ओके अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोट डाउन अबाउट द स्टूडेंट्स हु हैव कम फ्रॉम आवर विलेज अदर विलेज और सिटी इन योर स्कूल, आपके स्कूल में दूसरे जो नए बच्चे आए हैं दूसरे विलेज से या दूसरी सिटी से, उसके बारे में डिटेल्स लिखनी है, कौन सा नंबर लिखना है, स्टूडेंट का नेम लिखना है, फ्रॉम वेयर ही हैज़ कम, वो कहाँ से आए हैं और कब आए हैं, व्हेन यानी नेम ऑफ हर हिज और हर ओल्ड स्कूल प्रीवियस स्कूल, उनकी पुराने स्कूल का नाम लिखना है कि पहले वो कौन से स्कूल में पढ़ते थे। उसके बाद व्हाट वाज अ गुड अबाउट हिज और हर ओल्ड स्कूल, उसकी स्कूल जो पुरानी स्कूल थी उसके कुछ गुड पॉइंट्स है, उनकी अच्छी क्वालिटी के बारे में लिखना है। और व्हाट इज़ न्यू टू हिम और हर इन न्यू दिस स्कूल, ये स्कूल में उसको क्या क्या नया मिला, क्या अच्छा लगा, उसके बारे में लिखना है। ओके
तो ये जो है वो आपको वर्कबुक में सारे आंसर मिल जाएंगे, वर्कबुक में जो पीडीएफ भेजूंगी। ओके, आज का इतना ही एक्सप्लेनेशन, आगे का है वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू।